हाय फ्रेंड्स मैं अश्विन आई होप आप सभी अच्छे होंगे वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 167 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड इम्पिक्यूनियस आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड इम्पिक्यूनियस को डिटेल में जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड इम्पिक्यूनियस इज एन एडजेक्टिव इसका मीनिंग है इज हुस हैज़ वेरी लिटिल और नो मनी एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत थोड़ा सा पैसा हो या बिल्कुल भी पैसा ना हो जिसको आप एक शब्द में कंगाल कह सकते हैं सो पीपल हु आर इम्पिक्यूनियस आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ मनी उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे स्पेशली पैसा नहीं होगा राइट right? अच्छा अब हम इस वर्ड को समझेंगे कैसे पहली बात एम से ये नो हो जाएगा ऑपोजिट लाइक पॉसिबल एम्पॉसिबल एक्चुअली पिक्यूनियस इज ऑल्सो अ वर्ड पिक्यूनियस इज वन हु हैज्लेंटी ऑफ मनी पिक्यूनियस वो बंदा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है सो so, इम्पिक्यूनियस वो बंदा है जिसके पास ना के बराबर पैसा है राइट पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल अच्छा एक और वर्ड है पिक्यूनियरी क्या है पिक्यूनियरी पिक्यूनियरी अमीरी को कहते हैं जब आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे दैट पिक्यूनिया इज रूट विच मीन्स मनी रूट विच मींस मनी अब लेकिन ये रूट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थ्री टू फोर वर्ड्स इससे यूज में आते हैं लाइक पिक्यूनियरी अमीरी पिक्यूनियस रिच इम्पिक्यूनियस नॉट रिच एट ऑल गरीब तो जैसे चाहे वैसे आप समझ सकते हैं तो जो बहुत मुश्किल में अपना पेट पाल पा रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है ऐसे बंदे को इम्पिक्यूनियस कहा जा सकता है एग्जाम्पल प्लान्स आर बिंग डेवलप्ड बाई द गवर्नमेंट टू हेल्प द इम्पिक्यूनियस पीपल इन द सिटी हुआ विदाउट हाउसिंग सरकार ऐसी ऐसी योजनाओं पर काम कर रही जिससे ऐसे लोगों को हेल्प की जा सके स्पेशली उनको घर दिया जा सके जिनके पास पैसा नहीं है और घर भी नहीं है एक और एग्जाम्पल है इवन दो दिंगर अर्न लैक्स ऑफ रुपीज ड्यूरिंग हर हेडे हेडे बोलते हैं जो आपका अमीरी का दिन होता है जो पीक टाइम आपका होता है स्वर्णिम युग कहा जाता है जब आप टॉप पर होते हैं शिखर पर होते हैं तो वेन शी वॉज ऑन हर पीक उसने तब बहुत सारा पैसा कमाया बट वेन शी डाइट bit impecunious। लेकिन जब वो मरने की स्थिति में आई तो उसके पास ना के बराबर प्रॉपर्टी ना के बराबर पैसा था तो शी वॉज क्वाइट इम्पिक्यूनियस इन हर लास्ट डेज Synonyms: penniless, bankrupt, insolvent, hard हार्डअप ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है Indigent, गरीब डेस्टिट्यूट कंगाल impoverished, पिन्यूरियस ये सब एंटोनिम्स एफ्लुएंट मतलब जिसके पास बहुत पैसा हो जिसको आप समृद्ध कह सकते हैं वेल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज वेल टू डू अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज प्रोस्परस ऑपुलेंट ये सारे वर्ड्स अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से इंग्लिश ग्रामर वर्ड पावर एंड कॉम्प्रिहेंशन का बैच ले सकते हैं ये ऑनलाइन बैच है जो कि हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ पे अवेलेबल है वैलिडिटी लाइफ टाइम है और प्राइसेस सिर्फ एलेवन डबल नाइन और बहुत सारे डेमो लेक्चरस अवेलेबल हैं जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फिर लॉग करेंगे तो इस बैच को विजिट करने पर बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देखेंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा हाँ अगर आपको सिर्फ वोकेबलरी में ही इशू आता है ग्रामर आपकी ठीक है देन यू कैन गो फॉर दिस बैच वर्ड पावर इसकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम है इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स ईरियम्स फ्रेजल वर्ब्स प्रोवर्ब्स वन वर्ड रूट्स कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होमोफोन सब कुछ कवर किया गया एंड द प्राइस इज जस्ट फोर्डेबल नाइन ये बैच भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ किसी भी कन्फ्यूज़न में आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं तो आई होप आपको एम्पिक्यूनियस वर्ड ज़रूर क्लियर हो गया होगा कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाय बाय